आप सब लोगों को नमस्कार। आज दिल्ली सरकार का फाइनली बजट पेश किया गया, 9th बजट आम आदमी पार्टी का। और हमने अपने परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी को बहुत मिस किया, पूरी दिल्ली ने मिस किया उनको। पूरी दिल्ली को आदत पड़ गई थी उनके बजट को सुनने की। उनकी अनुपस्थिति में कैलाश गहलोत जी ने जो बजट पेश किया वो बहुत शानदार बजट है, और मैं कैलाश गहलोत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने जिस किस्म का बजट दिल्ली के लिए पेश किया, इस बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ है। हर तबके के लिए, गरीब अमीर, आदमी औरत, सबके लिए, हर वर्ग के लिए, हर आयु के लोगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सबसे पहली बात कि दिल्ली, सभी सर्वे ये दिखाते हैं कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है, और उसका कारण है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कई सारी चीज़ें मुफ्त में मुहैया कराती है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, स्वास्थ्य मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का सफ़र मुफ्त है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराने के लिए जाहिर तौर पे पैसे की ज़रूरत होती है। बाकी सरकारें कुछ भी मुहैया नहीं कराती मुफ्त, फिर भी वो सरकारें घाटे में चलती हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी सारी चीज़ें मुफ्त मुहैया कराती है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार फ़ायदे में चलती है। आज भी घाटे का बजट प्रेजेंट नहीं किया, नफ़े का बजट ही प्रेजेंट किया है। नेट नेट हरा ही बजट है। तो जितनी मुफ्त चीज़ें थी वो सारी जारी रखी गई हैं, जिससे एक आम आदमी को दिल्ली के अंदर महंगाई से जो राहत है वो जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने कदम पहले से उठाए जा रहे थे वो सारे जारी रहेंगे। जैसे जितनी फेसलेस सर्विसेज हैं, वो फेसलेस सर्विसेज जितनी हैं वो जारी रहेंगी, और उनको एक एक करके और अन्य डिपार्टमेंट्स में भी लागू किया जाएगा। जो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से दलालों से लोगों को छुटकारा मिला, वो सारी डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जारी रहेंगी। पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था, और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे, मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया, और स्टेशंस 286 हो गए, मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था, 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहाँ भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए, वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी, लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं, उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज़ अ ह्यूज 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 इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था,
आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है, जो रेवेन्यू के लीकेजेज हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेज हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। तो दिल्ली देश से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है, ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लिए गर्व की बात है। साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसके लिए ये कोई एक स्लोगन नहीं दिया हम लोगों ने, इसके लिए स्पेसिफिकली 9 पॉइंट्स हैं, 9 एरियाज हैं, आइटम्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा। पहला, पीडब्ल्यूडी की 60 फुट से चौड़ी, पीडब्ल्यूडी की टोटल रोड दिल्ली के अंदर लगभग 1400 किलोमीटर है, ये सारी वो सड़कें हैं जो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सड़कें हैं। तो दिल्ली की 60 फुट से चौड़ी सारी सड़कों को दिल्ली की, उनको साफ और सुंदर बनाया जाएगा। इसमें एक तो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग डेली की जाएगी सारी सड़कों की, उसके लिए 70 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स खरीदे जा रहे हैं। तो 70 मतलब एक असेंबली में एक मैकेनिकल रोड स्वीपर होगा या वट एवर, वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो डेली मैकेनिकल रोड स्वीपिंग की जाएगी। दूसरा, डेली सड़कों की धुलाई की जाएगी, फुटपाथ की धुलाई की जाएगी, सेंट्रल वर्ज की धुलाई की जाएगी, और दोनों तरफ जो भी पेड़ पत्ते होंगे उनकी धुलाई की जाएगी, और रेलिंग जो भी होगी उसकी धुलाई की जाएगी। इसके लिए लगभग, इसके लिए कई सारे वो खरीदे जा रहे हैं, ये एंटी स्मॉग एंटी स्मॉग वाटर और स्प्रिंकलर्स। वाटर स्प्रिंकलर्स, और उसके अलावा एक एक वार्ड के लिए अलग अलग 250 वाट छोटे वाटर स्प्रिंकलर्स खरीदे जा रहे हैं जो नगर निगम की सड़कों के ऊपर काम आएंगे, और ये लगभग 210 वाटर स्प्रिंकलर्स कम एंटी स्मॉग गन खरीदे जा रहे हैं जो बड़े हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी की सड़कों पे काम आएंगे। जितनी भी पीडब्ल्यूडी के सड़कें हैं 1400 किलोमीटर, इनकी सबकी एक गो में सारों की रिपेयर कराई जाएगी। पहले जितनी रेलिंग टूटी पड़ी हैं, फुटपाथ टूटे पड़े हैं, सेंट्रल वर्ज टूटे पड़े हैं, कर्ब स्टोन टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारों की एक साथ इस आने वाले समय साल में एक साथ सबकी रिपेयर करा दी जाएगी। जितने एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेसेस हैं सेंट्रल वर्ज पे, फुटपाथ पे, उन सब पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फूल लगाए जाएंगे, हरा भरा बनाया जाएगा सड़कों को। और हर 3-3 महीने में सड़कों पे पेंटिंग होगी, लेन मार्किंग होगी, जेब्रा क्रॉसिंग की पेंटिंग होगी, और जो कर्ब स्टोन्स होते हैं फुटपाथ की तरफ भी और सेंट्रल वर्ज की तरफ भी, उनकी पेंटिंग्स हर 3-3 महीने में कराई जाएगी। रेगुलर 5-5 साल के अंदर कारपेटिंग कराई जाएगी सड़कों की, कोई पॉट होल्स नहीं होगा। अगर कोई पॉट होल है तो जिस भी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है उसके अंदर वो कंडीशन डाली जा रही है कि इतने घंटों के अंदर वो पॉट होल रिपेयर हो जाना चाहिए। जितने इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटाए जाएंगे, और अगर दिल्ली की सड़कों के ऊपर मिट्टी नहीं रहेगी तो हम देखते हैं कि जब ट्रक या हैवी व्हीकल या कार तेजी से सड़क पे जाती है, या सुबह जब मिट्टी के, उससे पोल्यूशन बहुत होता है, मैकेनिकल रोड स्वीपिंग और धुलाई करने की वजह से पोल्यूशन, इस डस्ट पोल्यूशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, नंबर पहला आइटम है साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली में, पहला आइटम 1400 किलोमीटर की सड़क पे ये सारे काम कराए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एम्बिशियस और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, 28 फ्लाईओवर हम लोगों ने बनाए हैं हमारी सरकार बनने के बाद, और 26 नए फ्लाईओवर और बनाने जा रहे हैं। उनकी कुछ की डिटेल्स मंत्री जी ने अपने बजट में पेश की, उनका सारा, उनमें से कई सारे 26 जो नए हैं उनमें से कई सारे एडवांस्ड स्टेज में भी हैं, लेकिन 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तीसरा, तीन अपने अलग किस्म के, यूनिक किस्म के डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आप जो मेट्रो देखते हो ना, मेट्रो चलती है, अब उसी के नीचे एक लेवल और बनाया जाएगा, ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे
वो चलेगी, बस ये सड़क होगी, सड़क सड़क होगी। तो ये कॉन्सेप्ट 4-5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था, और इसका कारण था इसे पैसे बहुत बचेंगे, क्योंकि पिलर तो बन ही रहा है, सब कुछ बन ही रहा है, फाउंडेशन बनी रही है, तो उसके ऊपर अगर हम एक लेवल और बना दें उसका, तो थोड़ा सा उसको पिलर में थोड़ी ज़्यादा जान डालनी पड़ेगी, अदरवाइज उसी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें एक लेवल और मिल जाएगा, तो इससे पैसे बहुत बचेंगे हम लोगों के। तो ये तीन यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल हुए तो फिर कई सारे आने वाले जितने भी मेट्रो के रूट्स होंगे हम हर एक के ऊपर ये कर सकते हैं। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे टोटल 10,480 बसेस होंगी, जो कि दिल्ली के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स के लिए 10,485 बसेस बहुत हैं। 2025 तक इनमें से 80%, 8,280 बसें इलेक्ट्रिक होंगी, उनमें से 1600 बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 2025 में जो मैंने बताया कि हमारी इतनी इलेक्ट्रिक बसेस होंगी, इसके बाद दिल्ली विल बी वन ऑफ द फ्यू, वेरी फ्यू सिटीज इन द वर्ल्ड जहां पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक बसेस एक साथ दौड़ रही होंगी। पांचवा आइटम है कि हमारे अगर इतनी इलेक्ट्रिक बसेस खरीदेंगे तो उनके खड़े होने के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो हमारे 57 एग्जिस्टिंग बस डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि जब रात को बस आके खड़ी हो तो साथ साथ उसकी चार्जिंग भी हो सके। छठा आइटम है कि 3 मॉडर्न बस पोर्ट्स, जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट की तर्ज पे उतने ही खूबसूरत, उतना ही वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे ही शानदार बस पोर्ट्स, उसी लुक एंड फील वाले आनंद विहार, सरायकालिखां और द्वारका में बनाए जाएंगे। 2 मल्टी लेवल बस डिपो बनाए जाएंगे जो कि पूरे देश में पहली बार बन रहे हैं, जिसमें 6 फ्लोर पे बसेस पार्क की जा सकती हैं। तो ऐसे 2 मल्टी लेवल बस डिपोज बनाए जाएंगे, 2 मॉडर्न बस टर्मिनल बनाए जाएंगे और 9 नए बस डिपो बनाए जाएंगे। ये सारी चीजें मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, पर आप फील कर सकते हो कि बसेस ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कितने बड़े स्तर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश हो रहा है। सातवां, 1400 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। ये मॉडर्न बस क्यू शेल्टर होंगे, ये हर एक बस क्यू शेल्टर पे एक डिजिटल स्क्रीन होगा जहां पे पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कौन सी बस आ रही है, कहाँ पहुंची, कौन सी बस कहाँ पहुंची, कितनी दूर है, कितनी देर में आ जाएगी, वो सारा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर आता रहेगा। आठवां पॉइंट है कि यमुना को साफ करने के लिए स्पेसिफिक एक्शन प्लान, 6-पॉइंट एक्शन प्लान बनाया गया है। उसमें एसटीपीज बनाए जाएंगे, नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाए जाएंगे, जो मौजूदा एसटीपी हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको ऑगमेंट किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता लगभग 890 MGD तक पहुंच जाएगी। 2014-15 में जब हमने सरकार बनाई थी तब 370 थी, 370 MGD सीवेज ट्रीट होता था दिल्ली में, ये ले जाके हम 890, अगले इस साल के अंत तक 890 MGD तक पहुंच जाएगी, जो कि एक ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। दिल्ली में ये देखने में आया कि बहुत जगह हमने सीवर का नेटवर्क तो बिछा दिया, पाइपलाइन बिछा दी, लोग सीवर के कनेक्शन नहीं लेते, बड़े महंगे हैं सीवर के कनेक्शन, जिसकी वजह से जैसे पूरा ट्रांसियमुना एरिया जो है उसमें पूरा ट्रांसियमुना एरिया में सीवर की लाइनें पड़ चुकी हैं, तो थ्योरेटिकली ट्रांसियमुना एरिया से में कोई गंदे नाले होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा का सारा सीवर तो उसके अंदर बहना चाहिए सीवर के नेटवर्क में, लेकिन फिर भी इतने सारे गंदे नाले हैं। क्यों लोग सीवर के कनेक्शन नहीं लेते, अभी भी नाली में डाल देते हैं। तो अब हमने तय किया है कि हम फ्री सीवर कनेक्शन सबको देंगे, हम जबरदस्ती सबके घर तक अंदर तक सीवर कनेक्शन डाल के आएंगे, और तो 100% सीवर कनेक्शन सबको दिए जाएंगे। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, केवल 227 कच्ची कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन था, इस साल के अंत तक इसको 1317 कॉलोनियों तक ले जाया जाएगा। पूरे
पूरे सीवर नेटवर्क को डीसिल्टिंग की जाएगी, इंटरसेप्ट किया जाएगा, और जो तीन कूड़े के पहाड़ हैं, ये नाइन्थ आइटम है स्पेसिफिक, तीन कूड़े के पहाड़ हैं, इन तीन कूड़े के पहाड़ों को दिसंबर 2024 तक हम साफ कर लेंगे। स्पेसिफिकली नगर निगम को इस बार हम 850 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज अ लोन। हेल्थ में मोहल्ला क्लिनिक्स में आप जानते हैं पूरा इलाज फ्री है, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री, अभी 250 टेस्ट होते हैं वहां पे, उसको बढ़ा के 450 टेस्ट किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो स्टेशन पे मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। कई बार छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, खांसी जुकाम है, थोड़ा बहुत फीवर है, लोग आते जाते अपना वहां पे मेट्रो पे रुक के अपना इलाज कराया और फिर गाड़ी पे चढ़ गए, दवाई ली, टेस्ट कराया और गाड़ी पे चढ़ गए, तो लोगों के लिए सहूलियत बहुत होगी कि सब स्पेस जाना नहीं पड़ेगा अलग से। महिला मोहल्ला क्लिनिक हमने टेस्ट किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहे, अभी तक 4 मोहल्ला महिला क्लिनिक थे, वो बढ़ा के 100 किए जाएंगे पूरी दिल्ली में, और 9 नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तो अभी तक पूरे दिल्ली में 14 सरकारी अस्पतालों में 14,000 बेड्स हैं, ये बढ़ा के 30,000 बेड्स दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। मुझे लगता है कि उसके हिसाब से इंटरनेशनल WHO के जो नॉर्म्स हैं वो हम पूरे कर पाएंगे कि पर 1,000 पॉपुलेशन कितने बेड्स होने चाहिए। आई थिंक वी विल बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पानी के क्षेत्र में आज 995 MGD पानी का प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, जब हमारी सरकार बनी थी तब शायद 870 या 880 था, 125 के करीब तो ऑलरेडी MGD पानी हमने बढ़ा लिया है, और ये जो 870 था ये कई साल से नहीं इंक्रीज हुआ था, कई कई साल से हमने पिछले 8 साल में 125 MGD बढ़ा लिया है। अब 2025 तक का हमारा टारगेट है कि इसको 990 से लेके हमें 1,250 MGD तक पहुंचाना है, और 24 घंटे पानी के लिए इंतजाम करना है लोगों के लिए। इसके लिए जितने अब जो थोड़े बहुत एरिया रह गए हैं, 2015 में केवल 985 कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन थी, अब हमने 1671 कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन पहुंचा दी है। पिछले 8 साल में 5,138 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली गई है, तो अब घर घर के अंदर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, ये भी हम जबरदस्ती दे रहे हैं, फ्री पानी का कनेक्शन है, बहुत लोग लेते नहीं है ऑफिशियल कनेक्शन, उनके घर के सामने पानी की पाइपलाइन डल गई उसमें टैपिंग करके और ले लेते हैं, ऑफिशियल कनेक्शन नहीं लेते, तो अब हम जबरदस्ती सबको कनेक्शन देंगे, घर तक कनेक्शन देके आएंगे। और जैसा मैं बार बार कहता हूं, हम दिल्ली को झीलों का और लेक्स का शहर बनाएंगे, तो इस साल 20 नई बड़ी लेक्स बन के तैयार हो जाएंगे। सो मोटे मोटे तौर पे ये कुछ एक हाईलाइट्स थे, अगर आपके स्पेसिफिक कुछ प्रश्न है तो आप बताइए। अलग से सब्सिडी का कितना बजट है? मैं आपको अलग से फिगर ले दूंगा, सब्सिडी का टोटल बजट जो है वो आपको बता देंगे। दो सवाल सर आपसे, एक तो ये सवाल कि अब आप जो बसों को भी मोहल्ला बस बना दिया है कि घर तक लास्ट माइल अंदर अंदर कॉलोनीज तक जाएगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी रहेगी, किसको सर कैसे आप करेंगे? और दूसरा सवाल जो बीजेपी से रिलेटेड है, क्योंकि नेता विपक्ष की भी बात थी, उनको निराशाजनक लग रहा है, कह रहे हैं यमुना पार्क को भी कुछ नहीं, सारी दिल्ली को ही दिया यार इसमें, एक मिनट मैं बताता हूँ यमुना पार्क को क्या क्या दिया। बिजली फ्री जारी रहेगी, यमुना पार्क की भी रहेगी, पानी फ्री जारी रहेगा, यमुना पार्क का भी रहेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति दे, डोर स्टेप डिलीवरी व यमुना पार्क, 1400 किलोमीटर PWD की सड़कें यमुना पार्क की भी रहेंगी, 28 फ्लाईओवर बनेंगे वो यमुना पार्क में भी बने, 26 डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे वो यमुना पार्क में भी, 1600 नई इलेक्ट्रिक बसें आएंगे वो क्या क्या रहे हैं वो तो सारी चीजें मोहल्ला बस का थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। मोहल्ला बस का जो 9 मीटर की बसें हैं वो बेसिकली जहाँ भी हमारी 12 मीटर की बसें नहीं जा पाती, काफ़ी सारे जो अनऑथराइज कॉलोनीज के पार्ट्स हैं या झुग्गी झोपड़ी जो बस्तियाँ हैं, तो उसको हम टारगेट करेंगे। और जैसे कि मैंने बजट स्पीच में बताया कि CM साहब के नेतृत्व में एक रूट रैशनलाइजेशन स्टडी की गई थी, तो बेसिकली वे एग्जामिन जितने भी हमारे रूट्स हैं दिल्ली के उनको साइंटिफिकली एग्जामिन किया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की स्टडी तो पहले सरकारों में इनिशिएट हुई थी, लेकिन कहीं भी इस तरह की स्टडी कभी भी कंप्लीट नहीं की गई।
ये पहली बार हुआ कि माननीय सिंह के नेतृत्व में पहली बार ये स्टडी इनिशिएट भी हुई। लगातार ये 2-2.5 साल स्टडी चली है, बल्कि मैं तो सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह की स्टडीज हम रेगुलरली 6 महीने में 1 साल में, इट बिकम्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो पूरी स्टडी करने के बाद उसमें जो असेसमेंट आया वो ये आया कि दिल्ली में अगर 2000 के आसपास अगर हमारी छोटी बसें होंगी, तो जहाँ भी हमारी बड़ी बसें नहीं जा पाती हैं जिन एरियाज में, उनमें सारी ये 9 मीटर की छोटी बसें चलेंगी, ताकि वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का हमेशा या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का इशू है वो रिजॉल्व हो सके। और कई सारे आप देखोगे एरियाज ऐसे भी हैं, अभी जो बड़ी बसें हैं वो कई जगह हम देखते हैं अंदर अंदर गलियों के अंदर जा रही हैं, 2 आदमी बैठे हैं इतनी बड़ी बस के अंदर, और वो अंदर अंदर गलियों के अंदर से वो खत्म कर देंगे, वहां पे अब छोटी बसें जाएंगी। बड़ी बसें बड़े रूट्स पे रहेंगी जहां पे, जिससे कि उनकी फ्रीक्वेंसी खूब तेजी से हम बढ़ा सकें, और ये छोटी बसें जो है ये छोटे अंदर गलियों के अंदर के लिए रहेगी। किस पे तीर्थ यात्रा का बजट क्या है? आई थिंक 50 crore रखा है हमने, पर इसमें कमी नहीं होने देंगे। कमी जो कर रहती है वो अवेलेबिलिटी ऑफ रेलवे की रहती है। रेलवे अगर जितना हमें रेलवे दे देगी 50 crore से और बढ़ा देंगे हम। ये सब्सिडी का टोटल सारी सब्सिडीज मिला के है 4,788 crore, जो कि विच इज एजुकेशन का, विच इज मतलब लेस देन शायद 7-8% के करीब बनता है, 5% बनता है। ये जिंदगी आसान नहीं है, संघर्ष से भरी हुई है। कोशिश करेंगे और कोशिश करते आए हैं, इतनी मुसीबतों के इतने अड़चनों के बावजूद इतना कुछ 60 साल में हासिल कर लिया, ये हमारी शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाता है। अगर ये सारी अड़चने ना होती और दिल्ली फुल स्टेट होता तो आज पता नहीं हम दिल्ली को कहाँ का कहाँ ले गए होते। पर अब चिंता मत कीजिए, सारा लागू करेंगे, अगली बार आपके साथ यहीं बैठाऊंगा, मेरे से पूछ लेना एक एक। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है, मैंने आपको बता दिया 2025 तक हो जाएगी। अभी अभी बोला 2025 के चुनाव के पहले आप सबको लेके डुबकी लगवा के लाऊंगा। आप सब लोग आवाज उठाइए उसके लिए, मीडिया वाले सब लोग आवाज उठाइए, ये तो अन्याय है। हम लोग लगभग 2,00,000 crore रुपए, आप सब लोगों को जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह में से TDS कटता है, वो TDS सेंटर में चला जाता है, दिल्ली के ऊपर खर्च नहीं होता। आप मेहनत करते हो दिल्ली में, कमाई करते हो दिल्ली में, टैक्स कटता है दिल्ली में, और वो सारा सेंटर में चला जाता है, तो अन्याय है बहुत बड़ा। वापस उसमें से एक नया पैसा नहीं मिलता हम लोगों को। सर, DIP को 500 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, सर वहाँ एक भी सूचना अधिकारी नहीं है, शायद सूचना अधिकारी नहीं है, उपनिदेशक नहीं है, कैसे ये तो सर्विसेज हमारे पास नहीं है अभी तो। मैं आपको एक चीज बता दूं, PWD सेक्रेटरी नहीं है। मैंने 10 या 12 फरवरी के आसपास ये जितनी चीजें हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है आप लोगों को, उसमें मैंने कहा था ये हम 1400 किलोमीटर सड़कों को साफ करेंगे, स्वीपर होगा, मैकेनिकल रोड स्वीपर होगा, ये होगा वो होगा, और धोएंगे सड़कों को, रिपेयर करेंगे, पौधे लगाएंगे। ये सारा प्रोजेक्ट टेंडर होना था, 1 अप्रैल तक टेंडर हो जाना था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि तब से लेके आज तक रेगुलर PWD सेक्रेटरी नहीं पोस्ट कर रहे LG साहब, मैं 10 बार उनको बोल चुका, तो जिसकी वजह से वो फाइल अप्रूव ही नहीं हुई, कैबिनेट में ही नहीं आई। सो ये जो बोल रहे थे कि अड़चने तो बहुत लगाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, लड़ेंगे। अब मैं अगर कहूंगा 10, फिर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि LG साहब PWD सेक्रेटरी नहीं दे रहे,
तो फिर आप कहोगे केजरीवाल लड़ता बहुत है। सर कैलाश जी ने ये भी कहा कि 2024 के आखिरी तक तीनों कूड़े के पहाड़ों को हम खत्म करेंगे। आप बलसवा भी गए थे, ओखला भी गए थे, जिस रफ्तार से काम चल रहा है क्या लग रहा है? बलसवा बहुत अच्छा चल रहा है, भलसवा तो मुझे लगता है कि टारगेट से पहले ही हो जाएगा। ओखला में कमी है, कल मैंने कमिश्नर को भी बोला था कि ओखला टारगेट उनका जो है उसके हिसाब से अभी पिकअप नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला है कि 31 मार्च तक 10,000 मीट्रिक टन पर डे का टारगेट, अभी जो चल रहा है 5,000-6,000 डेली, मेरे पास डेली रिपोर्ट आती है तीनों पहाड़ों की। गाजीपुर में मैं अभी आपके साथ चलूंगा, 2-3 दिन में चलेंगे गाजीपुर। उसका है इनके एमसीडी का प्लान है, वहीं पे कूड़े के निस्तारण के लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट बनाएंगे, बायो माइनिंग प्लांट बनाए, वो सब। उनको कहने थोड़ी होता, उनको तो करना होता वो बस देंगे ही नहीं। इसके ऊपर हम विचार करेंगे कि क्या कोर्ट में जाया जा सकता है, बिकॉज ये बहुत बहुत दिल्ली के साथ अन्याय है कि 2,00,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके, दिल्ली इज लाइक अ ग्रोथ लाइक एन इंजन, अगर आप इंजन में पेट्रोल डालना डीजल डालना बंद कर दोगे, दिल्ली पूरे देश के लिए कमाई करके देता है, बॉम्बे पूरे देश के लिए कमाई करके देता है। आप जो कमाई करने वाला है, जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको अगर चारा ही देना बंद कर दोगे तो वो मुर्गी अंडे कैसे देगी? सो दिल्ली एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, उसको चारा ही देना बंद कर दोगे तो कैसे? दिल्ली तो पूरे देश के लिए रोजगार देता है, दिल्ली पूरे देश के लिए पैसे इकट्ठे करके देता है, वेल्थ जनरेट करता है। देखिए जब वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे, आप सब लोग देख रहे हैं, लेकिन हमें उनसे कोई कंप्लेन नहीं है। वो जब से हम राजनीति में आए हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। जेल में डाल रहे हैं डाल दें, हम तो जेल में रह के आए हैं, डंडे खा के आए हैं, तो मनीष जी को डाल दिया, सतेंद्र जी को डाल दिया, और 2-4 मंत्रियों को अभी भी धमकी देते हैं, कहते हैं केजरीवाल को भी डाल देंगे, डाल दें केजरीवाल को भी, इससे अगर संतुष्टि मिलती है, अगर इससे देश की तरक्की होती है तो केजरीवाल को भी जेल में डाल, हमें इससे कोई नहीं है। जब तक हमें काम करने का मौका जनता ने दिया है, जितना मौका दिया है वो काम करते रहेंगे। इसी पे एडिशन है, आज जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है मनीष जी को, बट आर यू सीइंग इट एज अ रिलीफ राइट नाउ और यू थिंक दैट इट्स अ प्रोसेस? इट्स अ प्रोसेस। ईडी की रिमांड खत्म हो गई थी, जेसी में जाना ही था, अब परसों शायद वो सीबीआई की बेल की एप्लीकेशन है, अगले दिन शायद ईडी की वो है। सर एक बार इस पे स्थिति क्लियर कर दीजिए कि आप अपोजिशन के जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सीएम हैं उनके साथ कुछ जीएक बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, या कुछ मीटिंग? ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा था, बन रहा है। कुछ मुख्यमंत्री, लगभग 8 मुख्यमंत्री, उनके बीच में मेरी उनसे कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं। हम सब लोग, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। इसका मोटा मोटा आज मुझे अनाउंस करना पड़ रहा है, विच इज आई एम वायलेटिंग द प्रोटोकॉल बिटवीन द ऑल ऑफ अस, हमें सबको 8ों को एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसमें हमने ये तय किया कि हर महीने हम 8ों के 8ों मुख्यमंत्री एक स्टेट में जाएंगे उन 8 में से, और उन्होंने जो अच्छे काम किए वो अच्छे काम देख के आएंगे, उन अच्छे कामों को विजिट करके आएंगे ताकि हम सीख सकें। तो आइडिया इज दैट वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से सीख सकें, ये आइडिया है। तो इसमें कई राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं उनके साथ भी, उनके ऑफिसर्स के साथ भी। वो जो लेटर लीक हुआ है वो एक तरह से डेट्स को फाइनल करने के लिए था, कि मतलब सबसे बात कर रहे थे, कोई कह रहा था ये डेट, कोई कह रहा था, मुझे लगा एक बार लेटर लिख के डेट्स को फ्रीज कर देते हैं, लेकिन फिर सबसे लगा कि 18th and 19th किसी को भी सूट नहीं कर रही, क्योंकि सबके असेंबली सेशंस हैं, तो सबने कहा कि रखो तो मिड अप्रैल के बाद ही रखना। तो अभी फिलहाल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस जो लीक हो गया है, तो जब भी कुछ भी फाइनल होगा, फाइनली कौन कौन आएंगे, कैसे होगा, वो जैसे ही होगा तो मैं हम डेफिनेटली आप लोगों को बताएंगे। वो तो लीक्ड लेटर में लिखा हुआ है सारा, पढ़ लो उसमें। इसका 24 से कोई फ्रंट नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स अ गवर्नेंस प्लेटफॉर्म,
इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं। अभी जैसे मैं केसीआर साहब के यहाँ गया था हैदराबाद, वहां पे उन्होंने हमें एक आई कैंप देखने के लिए बुलाया। तेलंगाना की कितनी 3 करोड़ या 4 करोड़ जनसंख्या है, वो सबका आई टेस्ट फ्री में करा रहे हैं सबका। तो उन्होंने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई थी, किसी को भी चश्मा चाहिए फ्री में चश्मा दे रहे हैं, किसी को आंख का ऑपरेशन करा रहा है फ्री में। तो एक तरह से 4 करोड़ या 3 करोड़ जनसंख्या की आंखें दुरुस्त करने का इतना बड़ा मैसेज, तो ये तो सीखना चाहिए। वहीं मैं अनाउंस करके आया कि मैं दिल्ली में भी करूंगा, मान साहब ने कहा मैं पंजाब में भी करूंगा, तो एक दूसरे हम सीख क्यों नहीं सकते। उन्होंने इरिगेशन का इतना शानदार काम किया हुआ है, तेलंगाना के अंदर इरिगेशन पे इतना शानदार काम हुआ है, उसको देखने के लिए स्पेशली भगवंत मान दोबारा गए अभी थोड़े दिन पहले। तो हम एक दूसरे से सीख क्यों नहीं सकते। सीखने के लिए, एक दूसरे से सीखने के लिए ये गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है। दिस इज नो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। नहीं, मैं आपको बता दूंगा, एवरीवन सेड दैट बिफोर मिड अप्रैल इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज एवरीवन इज बिजी विद देयर रिस्पेक्ट। आपकी नजरों की उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जंतर मंतर पर मोदी हटाओ देश बचाओ आपकी सभा है, दिल्ली में उसको पर क्या लगे कि उस पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर, उस पोस्टर पे एफआईआर कर दी पर। तो मोदी जी इतने डरे हुए क्यों हैं, इतने इनसिक्योर क्यों हैं यार? ये तो नॉर्मल सा पोस्टर है, कोई लगा ले, जनतंत्र के अंदर कोई लगा ले। इतने डरा हुआ प्रधानमंत्री, इतना इनसिक्योर प्रधानमंत्री, जिसको मर्जी, मुझे लगता है सुबह उठ के सोचते हैं कि आज बस किस किस को जेल में डालना है, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो, इसको जेल में डाल दो। जिस जिसके हम टच में आए, हुएवर वी केम इन टच विद, नहीं उसमें वो नहीं है। हम वो बताएंगे। थैंक यू। यार